नमो नमः। मोक्ष परियोजनायां संधि प्रबोध इत्यस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम अभिनंदनम्। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पंच संधि के अंतर्गत अच संधि और प्रकृति भाव के प्रमुख नियमों को जाना। अब हम हल, विसर्ग तथा स्वादि संबंधी नियमों का को जानने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकरण में हम हल संधि के नियमों को जानने का उपक्रम करेंगे। तो हल संधि माने अर्थात जहाँ पर हल में विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं। हल अर्थात व्यंजन। तो इसका प्रथम नियम श्चुत्व से संबंधित है, स्तोः शुनाश्चुः, अर्थात शकार चवर्ग के योग में सकार और तवर्ग को शकार चवर्ग हो जाता है। इस नियम के अनुसार स्तोः शुनाश्चुः, इसमें पौर्वापर्य का कोई नियम नहीं है। केवल अगर कहीं शकार आ जाए या चवर्ग आ जाए और उससे पूर्व या पर में सकार और तवर्ग हो तो शकार और चवर्ग उनको हो जाता है। उदाहरण के लिए हरिश्चेते, यहाँ पर हरि ही शेते ऐसा था। और उसके बाद विसर्जनीयस्य सह, इस नियम से हरिस ऐसा हुआ और हरिस के बाद श, श के योग में हरिस के सकार को भी श हो गया, हरिश्चेते। इसी प्रकार से रामः चिनोति, रामश्चिनोति, सत चित सचित, ये शारंगिन जय। तो शारंगिन का न तवर्ग में है इसलिए ज के आने पर इसको भी शारंगिन, शारंगिन जय यानी यकार हो गया। इसके कुछ अपवाद नियम भी हैं, जैसे शात। शात सूत्र ये कहता है कि शकार के पर में यदि तवर्ग आ जाए तो उसको श्चुत्व नहीं होगा। जैसे विष्णः, प्रश्नः, यहाँ पर विच्छ धातु से छोह शूड अनुनासिके च सूत्र से यहाँ पर श हुआ, विष ऐसा हुआ। विष होने के बाद नकार जो उसके बाद में आया है नंग प्रत्यय का, उस न को यकार हो जाना चाहिए था नियम से, किंतु नहीं हुआ क्योंकि यह शकार के बाद आया। इसी प्रकार से प्रश्न में भी यही स्थिति है। इसके बाद हम श्रुत्व के नियम को जानते हैं। इसमें सकार और तवर्ग को शकार और टवर्ग यानी मूर्धन्य श, अभी तालव्य श की चर्चा हो रही थी, तो मूर्धन्य शकार और टवर्ग के योग में मूर्धन्य शकार और टवर्ग हो जाता है, आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए रामः षष्ठः, यहाँ विसर्जनीयस्य सह हुआ रामस षष्ठः। ये दंत्य स है और इस दंत्य स को फिर शकार के योग में रामः षष्ठः हो गया। इसी प्रकार से रामः टीकते में भी रामः टीकते हुआ और पेश टा, पेश और ता ऐसा करके वहाँ पर भी पेष्टा हो गया। तट तत टीका को भी, तकार को तट टीका ऐसा हो गया। चक्रिन ढौकसे, तो चक्रिन ढौकसे यहाँ चक्रिन के नकार को अणत्व हो गया जो कि मूर्धन्य है। इसके भी कुछ अपवाद नियम है। एक सूत्र है न पदांता टूरनाम, अर्थात जो पदांत में न पदांता टो हो, पदांत में यदि टवर्ग हो तो टवर्ग के बाद यदि नाम को छोड़कर, यानी नाम को तो हो जाएगा, अन्य कोई तवर्गीय वर्ण आ जाए तो उसको श्रुत्व इस नियम से जो पूर्व शुनाष्टुः से प्राप्त होता था उससे नहीं होगा। उदाहरण के लिए षट, षट में पदांत टकार है, उसके बाद स आ रहा है, षट संतः, तो यहाँ पर शुनाष्टुः से प्राप्त श्रुत्व का इस नियम ने बाध कर दिया,
तो षट संतह ही रहा, संतह के सकार को क्ष नहीं हुआ। इसी प्रकार से षट ते, यहाँ पर तकार को टकार नहीं हुआ। और जो हमने चर्चा की कि नाम को छोड़कर वहाँ पर एक वार्तिककार ने एक नियम बनाया कि नाम ही नहीं बल्कि अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, यानी नाम नवति और नगरी में के नकार को, इन तीनों का जो नकार है उसको णत्व हो जाएगा। यानी आपने जो ष्टुनाष्टुः नियम रखा है वो नियम यहाँ पर प्रवृत्त हो जाएगा, न पदांता टोर नाम से उसका बाध नहीं होगा। जैसे षट नाम षण्णाम, षट नवति ही षण्णवति ही, षट नगर्यः षण्णगर्यः। इसका एक और बाधक सूत्र है, वह है तोहुषी। यहाँ पर षकार पर में रहे तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होगा। जैसे सन षष्ठः, यहाँ न जो है सन का न तवर्ग में है, उसको षत्व उसको णत्व नहीं होगा। अब हम आगे के नियम पर आते हैं। बड़ा प्रसिद्ध नियम है और पिछले प्रकरण में कहीं आया परंतु यहाँ पर प्रसंगतः उसको लिया गया, झलाम जशोन्ते। बहुत सामान्य नियम है कि झल को पदांत में अगर झल आए तो उसको जश हो जाता है, झलाम जशः अन्ते। जैसे वाक, वाक का ककार जो है वो झल है, इसको जश हो जाएगा, यानी ज ब ग ड द ये जश में है, तो यहाँ पर वाक को स्थानेंतरतमः के नियम से ककार कवर्गीय गकार हो जाएगा। इसी प्रकार से चित रूपम, यहाँ पर चिद्रूपम, ऐसा तकार को दकार हो गया। इसको प्रसिद्ध हिंदी में जब चर्चा करते हैं तो तृतीय अक्षर का नियम ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि ज ब ग ड द प्रत्येक वर्ण के तृतीय वर्ण ही हैं। एक और नियम है यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये यर जो वर्ण है यदि पदांत में आए तो उनको अनुनासिक वर्ण पर में आए तो उन यरों को भी अनुनासिक हो जाता है, विकल्प से है ये नियम। इसको भाषा में प्रायः पंचमाक्षर का नियम भी बोलते हैं, जैसे एतत् मुरारिहि, तो एतत् को तो झलाम जशोन्ते से द हो गया तो एतद् हो गया, किंतु मुरारिहि का मकार क्योंकि अनुनासिक है तो दकार में तवर्ग में अगर कोई अनुनासिक है तो वो न ही है, इसलिए एतन् मुरारिहि ऐसा रूप बन जाएगा विकल्प से, अन्यथा एतद् मुरारिहि तो रहेगा ही। इसी प्रकार से तत् के साथ अगर हम कहें कि तत् मित्रम तो तन् मित्रम हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ही विकल्प है, परंतु अगर कोई प्रत्यय का वर्ण आ जाए, प्रत्यय का अनुनासिक आ जाए तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से नित्य हो जाता है अनुनासिक। जैसे तत् प्लस मात्रम तन् मात्रम, यहाँ तद् मात्रम नहीं होगा। इसी प्रकार से चित् प्लस मयम चिन्मयम, और इसमें चर्चा भी कहते हैं कि अच्छा ये ककुदमंतः एक प्रयोग है, वहाँ पर मतुप प्रत्यय है तो भी नहीं हुआ, तो यवादिगण में उसका निपाट वैसे ही किया गया है, इसलिए उसका समाधान इसी तरह निकालते हैं कि निपातन के कारण ऐसा नहीं हुआ। एक अन्य नियम है, बहुत सरल है, तोरली, यानी तवर्ग के बाद यदि लकार पर में हो तो उसको परसवर्ण हो जाएगा, यानी लकार हो जाएगा सीधा कहें। जैसे तत् प्लस लयः तल्लयः, विद्वान लिखति विद्वान लिखति, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद एक नियम उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, यहाँ उत के बाद स्था और स्तंभन का स्तंभ का सकार अगर आ जाए तो उसको पूर्व सवर्ण हो जाएगा, और पूर्व सवर्ण क्योंकि सकार जो है उसका प्रयत्न आदि की दृष्टि से महाप्राण आदि उसका प्रयत्न है, तो उसी प्रकार से वहाँ पर तकार को भी जो ये तकार है सकार है उसको थ हो जाएगा, तो उ त थ थानम ऐसा रूप बनेगा, और झरोझरी सवर्णे से उसका लोप होने पर उत्थानम ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से उत्तम्भनम में भी उत् उत् प्लस स्तम्भनम तो उत्तम्भनम ऐसा हो जाएगा।
झयो हो अन्यतरस्याम, इस नियम में भी पूर्व सवर्ण हो जाता है, हकार को पूर्व सवर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस हरि है तो हकार को कवर्ग का महाप्राण या अन्य प्रयत्नों की दृष्टि से भी साम्य होने पर घकार ही उसका घोषवान है, नाद है, महाप्राण है, ऐसा वर्ण चाहिए तो घ ही ऐसा वर्ण हो जाता है, इसलिए वाक घर ही ऐसा रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से षष छोटी अठ पर में रहे तो ष को छ हो जाता है, जैसे तत् शिवः, तो वहाँ पर तत् शिवः ऐसा रूप बन जाता है। तो यहाँ पर तकार को स्तोष्चुनाश्चु से पहले चवर्ग हो जाता है और फिर पूरी प्रक्रिया के बाद तत् शिवः खरी च से वो बाद में जो नियम आता है कि खर पर में रहते हुए झल को चर हो जाता है, तो तद शिवः तज शिवः और फिर ज को खरी च से तच शिवः ऐसा रूप बनता है। ष को हमने छ कर दिया इसी नियम से, षष छोटी से, तो तत् शिवः ऐसा रूप बन जाता है। मोनुस्वार बड़ा प्रसिद्ध नियम है, इसमें बहुत छात्र गलतियां करते हैं कि हल वर्ण के पर में रहते हुए पदांत मकार को अनुस्वार करना है, जैसे हरिम वंदे, पर वंदे हरिम ऐसा करने पर मकार को अनुस्वार नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद फुल स्टॉप है, कोई अन्य वर्ण नहीं है। इस नियम में नश्चा पदांतस्य झली एक नियम आता है कि न और म अगर अपदांत में रहें तो झली झल वर्ण पर में रहते हुए उसको अनुस्वार हो जाता है, जैसे यशान सी, यहाँ पर न था तो नश्चा पदांतस्य झली से इसको अनुस्वार हो जाता है। इसी प्रकार से अनुस्वारस्य यही एक मोराजी समः क्वौ ऐसा भी नियम है, जिस नियम से माँ को अनुस्वार नहीं होता है, जो कि मोनुस्वार ने नियम बनाया था। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, इस नियम से अनुस्वार को परसवर्ण होता है और वो अपदांत में होता है, अंकितः इत्यादि में अनुस्वार है तो उसको ङ कर देंगे, अंकितः शांतः गुम्फितः इत्यादि। वा पदांतस्य में पदांत में अगर अनुस्वार रहे तो उस अनुस्वार को ये वर्ण के पर में रहते हुए परसवर्ण विकल्प से होता है, वहाँ पर नित्य होता था, ये त्वम करोषि, यहाँ माँ को अनुस्वार मोनुस्वार से हुआ, उसके बाद आप अनुस्वार भी रख सकते हैं और इस नियम से विकल्प से त्वं करोषि यानी अदंग भी करते हैं। मोराजी समक्व की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसमें माँ को पदांत होने पर भी सम के मकार को अनुस्वार नहीं होता है। हेम परेवा एक नियम है कि हकार के म पर में रहे यदि हकार के, तो म के स्थान पर म ही रहता है, उसको अनुस्वार नहीं होता, वो इस नियम का अपवाद है। जैसे उदाहरण के लिए त्वम वलय किम वलयति या किम वलय किम मलयसी, तो यहाँ पर किम के मकार को मोनुस्वार से अनुस्वार प्राप्त हो रहा था परंतु नहीं हुआ। इसी प्रकार से यवल परे यवलावा, इसी प्रकार से माँ के बाद यदि य व ल पढ़े तो उनको अनुस्वार को माँ को अनुस्वार नहीं होता है, माँ के बाद यदि ये वर्ण आते हैं तो। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो न परे न भी इसी प्रकार का नियम है कि न के बाद यदि कोई माँ के बाद यदि हकार आए और उसके बाद न आए तो उसको भी मकार को अनुस्वार नहीं होता। इसके बाद कुछ आगमों की चर्चा है और जहाँ कुक टुक तुक आदि आगमों की चर्चा है, जैसे नकार और नकार के बाद यदि कोई वर्ण यानी सर्प वर्ण आ जाए तो नकार को कुक और नकार को टुक ऐसा हो जाता है, जैसे नकार को प्रांग षष्ठः तो प्रांग षष्ठः हो जाता है, उसके क को ख हो जाता है, चयोः द्वितीयः पौष्कर असादे रीति वाच्यम, इस वार्तिक से उसको द्वितीय हो जाता है। ऐसे सुगण षष्ठः तो सुगण षष्ठः ऐसा नियम बन जाता है। तो ये आगमों की चर्चा लंबी चलती है, उसको सिद्धांत कौमुदी में उसका अध्ययन करना चाहिए। हम इस पाठ को यहीं पर
समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।